सबसे पहले मैं अपने सभी श्रोताओं को हार्दिक नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। बकरीद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं अपने सभी फोक ब्रेन के चाहने वालों का, तथा अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो जल्दी हमें इस विकट समय से निजात दिलाए। मैं आभारी हूं फोक ब्रेन के सभी अधिकारियों का जिन्होंने आज मुझे अपने पेज के माध्यम से लाइव आने का मौका दिया। विशेष रूप से मैं आभारी हूं आदरणीय श्री कैलाश मिश्र जी का, जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। सत्र शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सबों को अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मेरा नाम हरिशंकर, पटना बिहार का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी स्वर्गीय उमेश प्रसाद सिंह और माता जी श्रीमती प्रेम लता सिंह को शुरू से ही संगीत के क्षेत्र में लगाव था। मेरी बड़ी बहन श्रीमती प्रतिभा सिंह कथक की अच्छी नृत्यांगना है, और छोटा भाई उमा शंकर सितार वादन का विश्व स्तर का कलाकार है। अपने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मैंने श्री हरिहर पाठक, स्वर्गीय जाकिर हुसैन, श्री डी काले, श्रीमती चिन्मय बनर्जी और स्वर्गीय गंगाधर पाठक जी से प्राप्त की। आज मैं आपके सामने भोजपुरी के कुछ पारंपरिक गीतों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी लोक गायन की शिक्षा मैंने अपने गुरु आदरणीय श्री मनोरंजन ओझा जी से प्राप्त की है, अभी भी प्राप्त कर रहा हूँ। संप्रति मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जहानाबाद में संगीत शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस सत्र की शुरुआत मैं एक देवी गीत से करूंगा। भोजपुरी के पारंपरिक गीत जो हैं, वो वैसे गीत हैं जो सदियों से हमारे रंगों में, हमारे रगों में रचे बसे हैं। ये गीत लोक यानी जनमानस के गीत हैं, ये मिट्टी से जुड़े लोगों की अंतरात्मा की आवाज है। मेरा प्रयास होगा कि इन पारंपरिक गीतों के विविध रंगों को से आपको रूबरू करवा सकूं। सबसे पहले जितने भी हमारे व्यूवर्स जुड़ चुके हैं, सबका स्वागत। शुरुआत मैं एक देवी गीत से करूंगा। जो भी लोग जुड़े हैं, एक बार बीच बीच में थोड़ा मैसेज भी देख लिया करूंगा ताकि मुझे पता चले। अनीता मिश्रा जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजनी कुमार झा जी आपका भी नमस्कार। तो शुरू करता हूं एक देवी गीत से, बहुत ही पारंपरिक यह देवी गीत है, जिसमें एक भक्त कैसे अपने देवी माँ को अपने घर के आंगन में बुलाना चाहता है दिखाया गया है। देवी माँ को लेकर उसके मन की भावनाएं क्या क्या हैं, क्या क्या वो प्रदर्शित होती हैं, यह इस देवी गीत में वर्णित है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं एक देवी गीत। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारे मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा।
एक देवी गीत सबसे पहले। लिखी भेज ने बता, लिखी भेज ने बता, देखाई बनाई के अंगना, झूमी रे झूमीना। लिखी भेज ने बता, देखाई बनाई के अंगना, बाजा बाजा बाई बंदुआरा बजना, झूमी रे झूमीना। बाजा बाजा बाई बंदुआरा बजना, झूमी रे झूमीना। लिखी भे बाजा बाजा बाई बंदुआरा बजना, झूमी रे के आसन लगाइब। गोबारा से लिपि पोती चौका पुराइब, बेलिया चमेलिया के आसन लगाइब। कलशा धराई गैया, कलशा धराई गैया, घीवा बड़ गोदियाना, झूमी रे झूमीना। कलशा धराई गैया, घीवा बड़ गोदियाना, झूमी रे झूमीना। बाजा बाजा बाई बंदुआरा बजना, झूमी रे झूमीना। नारियल पान रहुला फुलवा मंगाइब, लाली चुनरिया में गोटावा लगाइब। नारियल पान रहुला फुलवा मंगाइब, लाली चुनरिया में गोटावा लगाइब। माई के चढ़ाई बटीका, माई के चढ़ाई बटीका, झुमका बरू कंगना, झूमी रे झूमीना। बाजा बाजा बाई बंदुआरा बजना, झूमी रे झूमीना। बाजा बाजा बाई बंदुआरा बजना, झूमी रे झूमीना। सातो रे बहिनिया के खोइछा भराइबा,
मोचड़ा पे मेटुआ के नाच कराईबा। बजा बाई मधुआरा बजना झूमी रे झूमीना, बजा बजा बाई मधुआरा बजना झूमी रे झूमीना। लिखी भेजी ने बता ते खाई बमाई के आंगना बजा बजा बाई मधुआरा बजना झूमी रे झूमीना, बजा बजा बाई मधुआरा बजना झूमी रे झूमीना, बजा बजा बाई मधुआरा बजना झूमी रे झूमीना। तो यह थी एक पारंपरिक देवी गीत, बहुत लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं, सबका कमेंट्स में आशिक जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आशिक। शालिनी गुप्ता जी नमस्कार, कैलाश कुमार मिश्रा जी नमस्कार, दिव्यांश नमस्कार, प्रभा प्रभाकर जी गुड इवनिंग, जितने भी लोग जुड़े हैं बहुत स्वागत आप सबों का। धीरे धीरे मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। संजय अवस्थी जी नमस्कार आपको भी, आशीष नमस्कार, अगली प्रस्तुति मैं एक देव भजन से करने जा रहा हूं। सावन का महीना भगवान शिव का महीना कहा जाता है और इस महीने में विशेषकर भगवान शंकर की आराधना बहुत अधिक होती है, तो चाहूंगा कि एक देव भजन इस गीत के रचनाकार आदरणीय श्री ब्रजकिशोर दुबे जी हैं, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और मेरा सौभाग्य है कि उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त होते रहता है। तो मैं फिर से अपने गुरु आदरणीय श्री मनोरंजन ओझा जी का को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अगली प्रस्तुति एक देव भजन आप सबों के समक्ष लीजिए, सुनते हैं देव भजन। हो शिव शिव शंकर दानी, ए हो शिव शंकर दानी, अरे हो शिव शंकर, ए हो शिव शंकर दानी, खोली नाही मातल हो नाही नवा, ए हो शिव शंकर दानी, खोली नाही मातल हो नाही नवा, आहो शिव शंकर दानी। बाटे भांग
बाटे करली ही रउआ जला पनवा एहो शिव शंकर दानी करली ही रउआ जला पनवा एहो शिव शंकर दानी खोली नाही मातल ओ नाई नवा एहो शिव शंकर दानी लपके नगवा खाड़ बानी कब से अगवा रही रही लपके नगवा डर मोरा कापे लापरनवा एहो शिव शंकर दानी डर मोरा कापे लापरनवा एहो शिव शंकर दानी खोली नाही मातल हो नाही नवा एहो शिव शंकर दानी ह करेला नंदी बेला देरी भइले फजिर भइला ह करेला भैला सेवकन के दीही दरसनवा एहो शिव शंकर दानी सेवकन के दीही दरसनवा एहो शिव शंकर दानी होली नाही मातल हो नाही नवा एहो शिव शंकर दानी कमरी फेकाइला बाटे जटा झुराइला बाटे सुरनार करे लन भजनवा एहो शिव शंकर दानी सुरनार करे लन भजनवा एहो शिव शंकर दानी होली नाही मातल हो नाही नवा एहो शिव शंकर दानी होली नाही मातल हो नाही नवा एहो शिव शंकर दानी। तो ये थी एक देव भजन की प्रस्तुति। मैं देख लेता हूँ और भी जो लोग जुड़े हैं। चंद्रिमा दत्ता जी नमस्कार, रंजू विद्यार्थी जी नमस्कार आपको, हमारी भाभी रंजू भाभी, प्रतिभा सिंह नमस्कार, मेरी बड़ी बहन भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी स्वागत है इस फोक प्रेम के कार्यक्रम में। अमरेंद्र कुमार सर नमस्कार सर, नीलेश मिश्रा भैया, चरण स्पर्श भैया, सब आप लोग का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का जो कुछ भी थोड़ा बहुत गुनगुना पाते हैं। राजेश सिन्हा थैंक यू दोस्त, अनिल कुमार सिंह थैंक यू, अनिल भाई नमस्कार, आप खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और जो विविध रूप हैं भोजपुरी पारंपरिक गीतों के, मैं प्रयास करूंगा कि कुछ आपको उससे अवगत करवा सकूं। भोजपुरी के जो पारंपरिक गीत हैं वो उनके रचनाकार कौन है क्या है, ये बहुत पौराणिक समय से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के साथ चले आ रहे हैं। तो मेरी अगली प्रस्तुति होगी एक सोहर। सोहर बच्चे के जन्म के समय, जन्म के पहले भी जो जब गर्भाधान होता है, जब माँ गर्भ धारण करती हैं, उस समय से लेकर बच्चे के जन्म होने तक सोहर गायन की परंपरा है।
और सुहर को हम लोग शोकहर गीत भी कहते हैं। शोकहर गीत जो ऐसा गीत है जो असह्य पीड़ा होती है प्रसव के दौरान, तो उस पीड़ा से गुजरने के बाद ये शोकहर गीत एक लोग गाते थे पहले, बहुत ही सुकून से, बहुत ही इसका रिदम जो बहुत ही आनंददायक होता है। तो एक दो सोहर छोटा छोटा प्रयास करता हूँ आप सबों के लिए, एक कृष्ण जन्म से संबंधित। गोद में बालक ले ले जसो माती पलना झुलावे लिहो, जोग गोद में बालक ले ले जसो माती पलना झुलावे लिहो, ललना दुआरही जोगी बाबा ठानत अलख जगावे लियो। बड़ा ही सुंदर प्रकरण है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और उनको देखने की लालसा लिए वेश बदल कर भगवान शिव पधारे हुए हैं, वो चाहते हैं कि वो एक झलक ले सकें भगवान श्री कृष्ण का, तो बहुत ही रोचक प्रसंग। गोद में बालक ले ले जसो माती पलना झुलावे लियो, ललना दुआरही जोगी बाबा ठारत अलख जगावे लियो, ललना दुआरही जोगी बाबा ठारत अलख जगावे लियो। यशोदा क्या कहती है, कंचन थार मंगाई ले रतन पदारथ हो, कंचन थार मंगाई ले रतन पदारथ हो, जोगी ले ले हूँ भिक्षा घर जाऊँ कन्हैया मोर डेरही हो, जोगी ले ले हूँ भिक्षा घर जाऊँ कन्हैया मोर डेरही हो। सोहर का एक प्रकार था, एक दूसरा सोहर और चाहूंगा आप लोगों को सुनाना, ये भी कृष्ण जन्म से संबंधित। खेलत अंगनवा रामा खेलत अंगनवा रामा खेलत अंगनवा, अजीर बिहारी चारो भैया हो रामा खेलत अंगनवा, बाजे पैजनिया रुनु झुनु रुनु झुनु बाजत पैजनिया, उलकित राजीव नैनवा हो रामा खेलत अंगनवा, उलकित राजीव नैनवा हो रामा खेलत अंगनवा, अजीर बिहारी चारो भैया हो रामा खेलत अंगनवा।
सबई नचावत अंगुरी धरी धरी सबई नचावत छम छम बाजला कंगनवा हो रमा खेलत अंगनवा छम छम बाजला कंगनवा हो रमा खेलत अंगनवा अजीर बिहारी चारो भैया हो रामा खेलत अंगनवा अजीर बिहारी चारो भैया हो रामा खेलत अंगनवा अजीर बिहारी चारो भैया हो रामा खेलत अंगनवा। तो ये थी एक प्रस्तुति खिलौना की। क्षमा फिर से एक बार चाहूंगा, बीच में कनेक्शन इंटरनेट चला गया था तो इसलिए असुविधा जो हुई। अब मैं अपनी दूसरी प्रस्तुति एक समदावन, जिसको हम लोग विदाई गीत भी कहेंगे, विदाई गीत आप लोगों के लिए। कैसे रामचंद्र और सीता जी का की शादी होती है, शादी के बाद जो बेटी विदाई का जो वक्त है बड़ा ही मार्मिक, तो उसी से संबंधित एक समदावन आप लोगों के सामने। बड़ा रे जतनवा से सिया जी के बड़ा रे जतनवा से सिया जी के ओसनी से हो रघुवर ले ले जा से हो रघुवर ले ले जाए आगे 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 रघुवर पाछे पाछे डोलिया ताही पाछे लक्ष्मण भाई ताही पाछे लक्ष्मण लाली रंग डोलिया सबूज रंग हरिया लाली रंग डोलिया सबूज रंग हरिया लागी गई पति सो लागी गई बती सो के जरो बस रंग महल में के जोड़ी
से बेजोड़ी कहले जाए। तो ये एक समदावन की प्रस्तुति थी। डॉक्टर अजीत पांडे जी नमस्कार जुड़े हैं। शशि भूषण थैंक यू, फिर से याद ताजा हो गई। अब मौसम के अनुरूप मैं चाहूंगा एक झूला गीत आप सबों के सामने, सावन में गाए जाने वाला गीत, झूला गीत आप लोगों के लिए। झूले रामचंद्र रघुरैया देखा चारो भैया, झूले रामचंद्र रघुरैया देखा चारो भैया, चारो भैया ना हो झूले, चारो भैया ना हो झूले रामचंद्र रघुरैया देखा चारो भैया। कजरी राग मलहार सोहावन, कजरी राग मलहार सोहावन, गावे गवैया ना हो झूले, गावे गवैया ना हो झूले, रामचंद्र रघुरैया देखा चारो भैया, झूले रामचंद्र रघुरैया देखा चारो भैया। द्विज महेंद्र छवि नीक सोहावन, द्विज महेंद्र छवि नीक सोहावन, ध्यान धरैया नाम झूले, ध्यान धरैया नाम झूले, रामचंद्र रघुरैया देखा चारो भैया ना, झूले रामचंद्र रघुरैया देखा चारो भैया ना। जो भी लोग जुड़ रहे हैं नमस्कार सबों को, आशिक जय श्री राम। अब अपनी दूसरी प्रस्तुति चाहूंगा, एक बड़ा ही रोचक प्रकरण है। जब राम जी राम सिया का जो वनवास होता है तो उसमें राम सीता चले जाते हैं वन की ओर, और जो कौशल्या जो माँ होती है उनके मन में क्या चल रहा होता है, तो एक माँ की व्यथा जो है वो भोजपुरी के सम्राट माने जाने वाले आदरणीय श्री महेंद्र मिश्र जी की एक रचना है, बहुत बेहतरीन रचना। तो एक माँ की पीड़ा कैसे वो सोचती है, तो चाहूंगा कि आपके समक्ष नीलेश मिश्रा जी भैया चरण स्पर्श, मेरा यह सौभाग्य है कि मैं कुछ गा पा रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। गुणी लोग हैं, शिवम नमस्कार। तो अपनी एक माँ की वेदना महेंद्र मिश्र की एक रचना। कवने बिरछतारे होइ हे रे ललनवा,
कवने बिरिछतारे होई हे रे लनावासे रोवते नु होई हे बिहनावा रोवते नु होई हे बिहनावा जब सुधिया वे राम जी सावनी सुरतिया से व्याकुल होखेला परनवा भुलाला व्याकुल होखेला परनवा भुलाला बसलो उजारेली भवनवा भुलाला बसलो उजारेली भवनवा भुलाला के भूखे हुई है पिया से मुह सुखत हुई है दुखत हुई है कोमला चरण भावला दुखत हुई है कोमला चरण भावला कबले दुहोई ने मिलनवा भुलाला कबले दुहोई ने मिलनवा भुलाला कबले दुहोई ने की वेदना थी जिसकी रचना श्री महेंद्र मिश्र जी ने की थी। अब आगे बढ़ाता हूं और जब भोजपुरी गीत की बात आती है तो उसमें महेंद्र मिश्र की पूर्वी सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ी हो जाती है। तो पूर्वी के सम्राट माने जाने वाले पता नहीं श्री महेंद्र मिश्र जी की एक रचना ही पूर्वी आप सबों के लिए प्रस्तुत करूंगा। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं मीनाक्षी सिन्हा धन्यवाद, रेखा झा जी दीदी नमस्कार, वो वुमनिया फेम कलाकार आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं नमस्कार करता हूं दीदी को। श्रुति भगत जी नमस्कार, राहुल राय जी नमस्कार, जितने लोग जुड़ रहे हैं तो नमस्कार। एक चाहूंगा कि महेंद्र मिश्र जी की एक पूर्वी आप लोगों के लिए। सुनीता सहाय जी नमस्कार, और देखे ली सपना
निरमोही कान्हा। बंसिया बजा देना हुला निरमोही कान्हा। बंसिया बजा देना हुला निरमोही कान्हा। बंसिया बजावे लागुला निरमोही कान्हा। सब सखी मिली जुली गावेली कजरिया से राधा रानी। सब सखी मिली जुली अरे गावेली कजरिया से राधा रानी। झुलुआ झुलावे ली होला से राधा रानी। झुलुआ झुलावे ली होला से राधा रानी। चित जोर कान्हा। जमुना किनारा बाजा मुनावा के गछिया चित जोर कान्हा। मोतिया भोरा वेले होला चित जोर कान्हा। मोतिया भोरा वेले होला चित जोर कान्हा। महेंद्र श्यामा अरे भैले नीरा मोहिया से नहिया लगाई। दादा कईले होला से नहिया लगाई। दादा कईले होला से नहिया लगाई। तो ये एक पूर्वी महेंद्र मिश्र की रचना थी। जो लोग एक बार देख लेते हैं, गुंजन कुमार झा जी नमस्कार, अनीता मिश्रा जी नमस्कार, सुनीता सहाय जी नमस्कार। अगली प्रस्तुति में चाहूंगा बारिश का मौसम, और अगर एक कजरी ना हो तो बात जमती नहीं है। चाहूंगा कि एक कजरी आप सबों के समक्ष सखी है घेरे बदरिया हमारी बारी उमिरिया। सखी है चमुदिस घेरे बदरिया हमारी बारी उमिरिया। बारी उमिरिया सखी मोरी बारी उमिरिया। सखी है चमुदिस घेरे बदरिया हमारी बारी उमिरिया। ल
लव काज लव के बिजुरी चमके रामा, लव काज लव के बिजुरी चमके, उमरी घुमर करे शोर बदरिया, उमरा घुमर करे शोर बदरिया रामा, सखी है दोसरा रैना घरिया मरी बारी उमरिया, सखी है दोसरा रैना घरिया मरी बारी उमरिया, गबना कराई के घरे बैठवले रामा, गबना कराई के घरे बैठवले रामा, पतियो न हम के निरमोनिया बैठवले रामा, सखी है केकरा से भेजी खबरिया हमरी बारी उमरियाना, सखी है केकरा से भेजी खबरिया हमरी बारी उमरियाना, बलमुआता गले लिपटैती रामा, रहिते बलमुआता गले लिपटैती रामा, राम की झमकी के रुसती मनैती रामा, राम की झमकी के रुसती मनैती रामा, सखी है चहुदी सिखेर बदरिया हमरी बारी उमरियाना, बारी उमरियाना सखी मोरी बारी उमरियाना, सखी मोरी चहुदी सिखेर बदरिया हमरी बारी उमरियाना। तो ये एक कजरी थी, मैं चाहूंगा कैलाश मिश्रा जी अगर सुन रहे हैं तो बताएंगे और समय है या नहीं, ताकि मैं चाहूंगा धन्यवाद अनीता मिश्रा जी, गुंजन कुमार झा जी नमस्कार, बहुत अच्छा। अगली प्रस्तुति अगर भोजपुरी की बात हो, और भोजपुरी के जो शेक्सपियर कहे जाते हैं सभी लोग जानते होंगे, आदरणीय भिखारी ठाकुर जी, अगर उनकी रचना ना हो तो अच्छा ना होगा। मैं चाहूंगा भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखित एक पारंपरिक जतसार, मैं बता दूं कि जतसार वैसे गीत होते हैं जो पहले क्या होता था कि महिलाएं घर पे रहती थी, पुरुष कमाने के लिए पुल की ओर चले जाते थे, प्रदेश कलकत्ता की तरफ चले जाते थे, तो घर पे एक जाता होता था और महिलाएं जाता पीसते हुए वो गीत गाती थी, और वो बिल्कुल एक वेदना होती थी उन महिलाओं की जो उनके पति जो हैं वो कमाने के लिए चले गए हैं, और वो वेदना में वो अश्रुपूर्ण पूर्ण वो वेदना होती थी। तो जाता चलते समय एक उसका जो धूर होता है उसमें कहते हैं कि पानी के जगह वो उनके आंख का अश्रु जो है वो गिरता था, और इस प्रकार एक जतसार गीत की रचना हुई थी। तो एक जतसार आदरणीय भिखारी ठाकुर जी की रचना आपके समक्ष।
डहरिया जो हत डहरिया कहते हैं जो रास्ता है उसको, तो कैसे देखते हुए जो होना रास्ते को जो हो रही है और उसको देखते हुए कैसे गीत गा रही है। डहरिया जो हतना हो, डहरिया जो हतना हो, डहरिया जो हतना बीतत बाटे अठवहरिया हो, डहरिया जो हतना बीतत बाटे अठवहरिया हो, डहरिया जो हतना बीतत बाटे अठवहरिया हो, डहरिया जो हतना। धोती पट धरिया धई के कन्या पर चदरिया हो, बबरिया झारी के धोती पट धरिया धई के कन्या पर चदरिया हो, बबरिया झारी के धोती पट धरिया धई के कन्या पर चदरिया हो, बबरिया झारी के होई बकवन सहरिया हो, बबरिया झारी के ना होई बकवन सहरिया हो, बबरिया झारी के ना। परोसी कर थरिया भात दाल तर करिया हो, लहरिया उठेला ना। घर पे स्त्री है लेकिन खाना परोसने के बाद एक अजीब सी लहर उठ रही है उसके मन में, पता नहीं मेरे हस्बैंड जो है वो खाए या नहीं। बड़ा ही अच्छा चित्रण है। परोसी कर थरिया भात दाल तर करिया हो, लहरिया उठेला ना। परोसी कर थरिया भात दाल तर करिया हो, लहरिया उठेला ना। रही त करी त जे बनरिया हो, लहरिया उठेला ना। रही त करी त जे बनरिया हो, लहरिया उठेला ना। केई हमारा जरिया में धीरवल बाटे हरिया हो, चकरिया धरी के ना। केई हमारा जरिया में धीरवल बाटे हरिया हो, चकरिया धरी के ना। केई हमारा जरिया में धीरवल बाटे हरिया हो, चकरिया धरी के ना। होतबा दुख में जत सरिया हो, चकरिया धरी के ना। होतबा दुख में जत सरिया हो, चकरिया धरी के ना। कहत भिखारी मनवा करे हर घरिया हो, घरिया भरिया ना। कहत भिखारी मनवा करे हर घरिया हो, घरिया भरिया ना। कहत भिखारी मनवा करे हर घरिया हो, घरिया भरिया ना। देखत रहती भर नजरिया हो, उमरिया भरिया ना। देखत रहती भर नजरिया हो, उमरिया भरिया ना। देखत रहती भर नजरिया हो, उमरिया भरिया ना। तो बड़ा ही रोचक ये गीत हुआ करता था मारवी की। इस गीत को गाते गाते मुझे अभी बिहार के बहुत ही मशहूर एक कथक नर्तक थे स्वर्गीय मधुकर आनंद जी, उनकी याद आ गई। और मैं उनके साथ भी बहुत जगह शोज वगैरह में जाता था। उनके पिताजी वो भी स्वर्गवासी हो चुके, बलराम लाल जी, उनकी भी याद आ गई। तो अभी गाते गाते अचानक एक उनका गीत अभी मेरे जहन में आ गया। तो मैं चाहूँगा कि
दो चार लाइन जो अभी तुरंत जहन में आया है तो एक बार गुनगुनाओ उनको याद करते हुए। बहुत अच्छा नृत्य करते थे इस पे वो। पियावनी पटेन दानवा हे सजनी, पियावनी पटेन दानवा हे सजनी, पियावनी पटेन दानवा हे सजनी, हे सजनी हो हे सजनी हो हे सजनी, पियावनी पटेन दानवा हे सजनी, पियावनी पटेन दानवा हे सजनी। जैसे एक वेदना है देखिए, हमारा गोटात नहीं थे कनवा भनवा हे सजनी, मतलब एक अन्न का दाना नहीं अंदर जा रहा है उनकी याद में। हमारा गोटात नहीं थे कनवा भनवा हे सजनी, हमारा घोटा तनई थे कनवा भनवा हे सजनी, सैया चाभत होई हे मगही पानवा हे सजनी, चाभत होई हे मगही पानवा हे सजनी, चाभत होई हे मगही पानवा हे सजनी। तो ये थी एक रचना उनकी। अनीता मिश्रा जी, आपके सभी कमेंट्स शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। और अगली प्रस्तुति मेरी चाहूंगा, एक फरमाइश आई है अभी एक निर्गुण सुनाने की। हमारे एक मुकेश जी हैं, उनकी फरमाइश आई है तो निर्गुण एक दो निर्गुण अब सुनाना चाहूंगा और उसके बाद समाप्त करूंगा। एक निर्गुण भक्ति की वह धारा है जिसमें हम निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं लौकिक दुनिया से हटकर, अलौकिक की ओर जाना ही हमारा यह इस जीवन का मूल उद्देश्य है। और कबीर के द्वारा लिखित एक निर्गुण सबसे अंत में प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले एक जो फरमाइश आई है उसको पूरा कर दूं। निलेश भैया बहुत बहुत आभार आपका। जेके सिंह जी नमस्कार। प्रेम सुहाना निखिल बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, जुड़े हमसे। शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं निखिल तुम्हारी। तो एक निर्गुण जो दो चार पंक्तियां, चलबू त चलाना सबेरे सुहागीना, चलबू त चलाना सबेरे सुहागीना, चलबू त चलाना सबेरे सुहागीना, चलो
भूत चलना सबे रोई सुहागिना। चतुरा चतुरा सखी सौदा पिसाहे ए सुहागिना। सौदा बिकेला मोरे सुहागिना। चल भूत चल ना सबे रे सुहागिना। चल भूत चल ना सबे रे सुहागिना। तो ये फरमाइश आई थी ये मुकेश के द्वारा। और अब मैं चाहूंगा अपने कार्यक्रम की समाप्ति एक कबीर के द्वारा लिखित एक निर्गुण से करूं। तो आइए सुनते हैं एक और अंतिम प्रस्तुति मेरी कबीर निर्गुण। मोरा बाबुल से नाता टूटी, मोरा बाबुल से नाता टूटी, सजनिया एक दिन नहीं हर छूटी, सजनिया एक दिन नहीं हर छूटी, सजनिया एक दिन नहीं हर छूटी। रसिया बलम जब भेजी है गवनामा, रसिया बलम जब भेजी है गवनामा, तब गोरी तोहरो ना लागी है बहानामा। सखियां सहेलियां कुटुंब कबीला, सखियां सहेलियां कुटुंब कबीला, रोई है सब कोई झूठी, सजनिया एक दिन नहीं हर छूटी, सजनिया एक दिन नहीं हर छूटी। हरे हरे बांसवा के डोलिया बनाई है, चरंग तो हके चदरिया ओढ़ी है, चार कहर मिली डोलिया उठाई है, झूठा जग पता टूटी, सजनिया एक दिन नहीं हर छूटी, सजनिया एक दिन नहीं हर छूटी। अंतिम पंक्तियां कहता कबीर गोर
घड़ी मनाई ना, राम नाम साबुन से दही दगिया छुड़ाई ना। सजानिया एक दिन नहीं हर छूटी, सजानिया एक दिन नहीं हर छूटी। मोरा बाबुल से नाता टूटी, सजानिया एक दिन नहीं हर छूटी, सजनिया एक दिन नहीं हर छूटी, सजनिया एक दिन नहीं हर छूटी। ये अंतिम प्रस्तुति थी मेरी। मैं फिर से एक बार अपने गुरु आदरणीय श्री मनोरंजन ओझा जी को चरण स्पर्श करता हूँ। जो भी प्रस्तुति मैंने दी सब उनका दिया हुआ है। और आज जो यह मौका मुझे मिला फोक ब्रेन की ओर से, तो मैं फोक ब्रेन फेसबुक पेज का आभारी हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जितने भी हमारे व्यूवर्स जुड़े, जितने भी श्रोता जुड़े, सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कृपया मेरी त्रुटियों को नजरअंदाज करेंगे, बीच में हुई तकनीकी खामियों के लिए मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। और लॉकडाउन अगर नहीं रहता तब साथ में अगर ढोलक का संगत होता तो और मज़ा आता। तो एक बार फिर से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत आभार। आदरणीय श्री कैलाश मिश्र जी, फिर से एक बार आपको बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे अपने पेज पर आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।